हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मैम जो हमारी वाइफ है हमारे पास को मम्मी नहीं लेती है, किस नहीं करती है, फोर प्ले नहीं करती। तो एक बात बताओ, उसका पार्ट्स अगर साफ नहीं रहता है तो आपको लेने में दिक्कत होता है, प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा स्मेल आता है तो आपको दिक्कत होती है। तो जब आपके पार्ट्स में सेम एक प्रॉब्लम हो, वहाँ के जो बाल हैं वो साफ ना हो, स्किन साफ ना हो, बदबू आ रही हो, यूरिन का बदबू हो, पसीने का बदबू हो, और आपके पार्ट्स जो फोर स्किन होता है उसके अंदर कचरे हो, गंदगी हो, तो कैसे मुँह मिलेगी। दूसरी बात, इन सब क्लीन होने के बावजूद भी अगर नहीं ले रही है तो इसमें ना आपकी गलती है ना उसकी गलती है। उसको अगर पसंद नहीं है, नहीं लेना चाहती है, तो आप ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। कहते हैं ना कि फिजिकल रिलेशन, जब हम रिलेशन बनाते हैं, सार्विक रिलेशन, तो दोनों की सहमति, दोनों के पसंद नापसंद बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक को पसंद है, एक को नहीं पसंद है, तो वहाँ पर हम ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या सलूशन है, मान लीजिए कि अगर उसको डायरेक्ट ऐसे लेने में कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो वहाँ पे आप प्रोटेक्शन, जैसे कि वहाँ पे आप छतरी लगा सकते हो, उसे लगाने के बाद आप करो ना, साइड इफेक्ट का दिक्कत ना, इन्फेक्शन का दिक्कत ना ही कोई और चीज़ का दिक्कत, ठीक है। तो इसे लगाने के बाद एक बार लगा के ट्राई करो, हो सकता है लगाने के बाद आप आसानी से ले सके। तो आइयो पे छोटा सा हमारे समझाने का तरीका अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो हम यही कहेंगे कि भाई फोर्स ना करें, ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है। सबकी अपने अपने चॉइस होती है, सबके अपने पसंद होती है। बाकी जब भी आप उनके साथ रिलेशन बनाएं तो अच्छे व्यवहार, अच्छे बर्ताव और अच्छी सोच के साथ बनाएं, ताकि जब आप उनसे कुछ कहें तो वो भी आपका बात मान रख सकें।